नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता चमोली है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई टिहरी में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। 34 वर्षों के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो सही मायने में भारत में शिक्षा की दिशा को बदल कर रख देगी। ये शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा को एक वैश्विक पहचान दिलाने का सामर्थ्य रखती है। इसका उद्देश्य भारत के सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसके अंतर्गत सभी को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे जीवन पर्यंत रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी को जन्म ना देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, जिससे देश आत्मनिर्भर बनकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस नीति के तहत विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषयों को लेने की अनुमति होगी। 10+2 के शैक्षणिक ढांचे के स्थान पर 5+3+3+4 को लाया जा रहा है, जो किसी भी विकसित देश के शिक्षा व्यवस्था से मिलता जुलता है। ऐसी शिक्षा नीति के सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसके लागू होने के बाद कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में GDP की दर को 6% तक बढ़ा दिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। ये नीति विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अतः ये नई नीति शिक्षा की नई नीति भारत केंद्रित शिक्षा पर जोर देकर ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करेगी। अंत में मैं इतने शब्दों को कहकर अपने भाषण को विराम देती हूँ। शिक्षित समाज और शिक्षित परिवार देश के विकास का आधार। धन्यवाद।